तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UPSSC लेखपाल भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो में बात करेंगे इसकी रिजल्ट को लेकर, और कट ऑफ पर हम बात करने वाले कितने मार्क्स अगर हैं आपके तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी दो डेट लगी हुई है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डबल बेंच में लगी हुई है, और दूसरी आपकी जो डेट है वो लखनऊ बेंच में चल रही है, ठीक है। तो दोनों की डेट मिल चुकी है। यहाँ पर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच की बात करते हैं, तो उसकी जो डेट है 14 मार्च को है, यानी कि 14 मार्च को सुनवाई होनी है। तो ये जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता है कि पहले ये सिंगल बेंच में चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, 16 फरवरी को इसका जो कुछ भी था निष्कर्ष निकाल दिया, यानी कि कोर्ट का मानना है कि इसमें ए और डी को मान्य किया जाएगा। मगर कुछ बच्चों को, यानी कि फिर बच्चों ने क्या किया, इसे फिर दोबारा से डबल बेंच में चैलेंज कर दिया गया है। या तो फिर इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था वो, यानी कि जो लेटर था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था, या तो इसमें फिर क्या होना चाहिए कि या तो फुल मार्क्स मिलना चाहिए या फिर इस प्रश्न को डिलीट करना चाहिए, या तो फुल मार्क्स मिलना चाहिए या डिलीट करना चाहिए। मगर आपको बता दूं, यहाँ पर कोर्ट भी फंसा हुआ है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जो, यानी कि जहाँ पर UPSSC आयोग ने कहा था कि इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए, ठीक है, और जितने भी अपील करने वाले अभ्यर्थी उन्हें यहाँ पर जो है बोनस अंक दिया जाए, यानी कि फुल मार्क्स दिया जाए इस प्रश्न पर। आपको बता दूं, यहाँ पर जितने अपील करने वाले अभ्यर्थी जो उसमें लिखा हुआ है, ये डिमांड रखी गई है। अब हम देखते हैं कोर्ट क्या करता है या उस पर डिलीट करता है। मगर सबसे ज़्यादा चांस आपको रहेंगे कि इस प्रश्न को डिलीट करने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे अगर ये सुनवाई 14 तारीख को होती है, अगर इसका खंडन नहीं होता, अगर शायद मुझे नहीं लगता है, अगर यहाँ पर अगर सुनवाई आगे बढ़ती है, ठीक है। पहले तो मुझे लगता है कि 14 तारीख को जो कुछ भी होगा, क्योंकि फ्रेश में रखा गया ऐसे और सीए नंबर भी सही मिल गया, तो सुनवाई वगैरह हो सकती है, और शायद मुझे लगता है कि 14 तारीख को इसे खत्म कर दिया जाएगा जो भी रिट डाली गई है। मगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसका एक मेन निष्कर्ष निकल सकता है कि शायद इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि विवाद तो बन चुका है, क्योंकि विवाद बन चुका है। और UPSSC आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा था कि जब तक इन याचिकाओं का जो भी निर्धारण निस्तारण नहीं देखने को मिलेगा, तब तक हम रिजल्ट जारी नहीं कर पाएंगे। बात सही भी है। अगर यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट का डिसीजन चेंज हो जाता है, तो फिर रिजल्ट पूरा ऊपर नीचे फिर, यानी कि रिजल्ट पूरा तरीका चेंज करना पड़ेगा, तो इस वजह से रिजल्ट भी बना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो जब तक इनका याचिकाओं का निस्तारण नहीं होगा, तब तक रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं, अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि 14 तारीख को जो लिस्टेड है, यहाँ पर शॉर्ट आउट अभी 14 तारीख को ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लखनऊ बेंच की। लखनऊ बेंच में देख रहे होंगे आपको 16 मार्च अभी तक इसका सीरियल नंबर अपडेट नहीं किया गया, लगातार इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही, इसे पास ओवर किया जा रहा है, क्योंकि इसका सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा मिला है। पिछली बार 566 दिया, फिर 565 कर दिया था, ठीक है, तो इसका सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है। मगर आपकी उम्मीद रहेगी कि 16 तारीख को इसकी सुनवाई हो जाए, अंतिम सुनवाई हो जाए, जिससे क्या रिजल्ट में तेजी आए, ठीक है। जो रिजल्ट आपका लगभग अप्रैल तक देखने को मिल जाए। देखो आपका, आपको बता दूं कि जो रिजल्ट है आपको मार्च में कोई उम्मीद नहीं है कि देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर लास्ट भी सुनवाई देख सकते हो, 2 तारीख की पास ओवर किया गया, लगभग 5 सुनवाई होगी जिनमें पास ओवर किया गया है। उसके बाद हम कट ऑफ पर भी हम बात करने वाले हैं। देखो, जब तक इनकी सुनवाई जो कुछ भी है, याचिकाओं का निस्तारण नहीं होगा, तब तक तो वैसे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब मार्च महीने में उम्मीद है कि जो इन याचिकाओं का निस्तारण हो जाए और रिजल्ट है वो अप्रैल तक देखने को मिल जाए। वैसे पूरी उम्मीद लग रही थी, जैसे कि पहले आयोग के अध्यक्ष ने कहा था, खुद कहा था कि रिजल्ट हम आपको फरवरी के अंत तक दे देंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। मगर अब उम्मीद रहेगी कि जो मार्च में इन याचिकाओं का निस्तारण हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे भी इस भर्ती को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, याचिकाएँ मतलब बार बार यहाँ पर, यानी कि प्रश्नों को, यानी कि जो कुछ भी था इलाहाबाद हाई कोर्ट से चैलेंज, यानी कि जो निष्कर्ष निकल आया था, फिर उसे दोबारा फिर चैलेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं विवाद है, इसकी वजह से भर्ती आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो रिजल्ट आपको बता दूँ, रिजल्ट अब अप्रैल तक ही देखने को मिलेगा, अगर उम्मीद रही, अगर मार्च में इन याचिकाओं का निस्तारण हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में सबसे ज़्यादा जो, यानी कि प्रश्न उठ रहा है कि कट ऑफ को लेकर आखिर कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है, ठीक है। तो लगभग आपको बता दूँ, DB में जैसा कि आपको पता चले गया होगा, लगभग 22,000 के समथिंग अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। 22,000 के समथिंग जो अभ्यर्थी DB में बुलाए जाएंगे, ठीक है, ये निश्चित है। तो ये सही बात है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा और बहुत सारी वैकेंसी कहीं ना कहीं कम्पीट हो रही है, तो इसका एक मेन कार्ड ये भी है, जिससे क्या है, अगर जैसे कि लगभग या 1.5 या 2 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो फिर यहाँ दिक्कत हो सकती है, जिससे क्या है वैकेंसी भी खाली रह सकती हैं। मगर ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो बहुत कम चांस रहेंगे, क्योंकि DB में बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वगैरह हम फेल होंगे, और यहाँ पर एक फन मेरिट लगेगी, उसमें भी फेल होंगे, तो लगभग 22,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं संख्या बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ आखिर कितनी रह सकती है, ठीक है। अगर जैसे कि आपको बता दूँ, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में आपके 76 और 77 के बीच में भर रहे हैं, तो इसने पर आसानी सिलेक्शन हो जाएगा
निश्चिंत रहिए, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इतने से ऊपर नहीं जाने चाहिए कट ऑफ, ठीक है, जो कुछ भी डाटा वगैरह मिला है और लगभग इतनी ही रह सकती है, ठीक है, फिर भी कुछ नहीं कह सकते, कट ऑफ वगैरह आपको बता दूँ फिर भी इतनी ही रहेगी। ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी में लगभग आपके 74-75 के बीच में, तो इतने पर आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, और आपको बता दूँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कहीं की सेम भी रह सकती है, फिर भी आपको बता दूँ 73-74 के बीच में ईडब्ल्यूएस की रह सकती है, ठीक है। और यही हम बात करते हैं एससी की, तो एससी की लगभग 71-72 के अराउंड रह सकती है, इतने पर आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी में लगभग 69-70 के बीच में, तो इतने पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यही हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की, तो फ्रीडम फाइटर में लगभग आपको बता दूँ 55-56 के बीच में होने चाहिए, इतने पर आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यही हम बात करते हैं फीमेल की, ठीक है, फीमेल कैटेगरी की, फीमेल की बात करते हैं तो लगभग आपको बता दूँ 70-71 के बीच में रह सकती है, इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको ये देखो, आपको बता दूँ बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, ठीक है, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ लगभग इतनी ही कट ऑफ रह सकती है, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है जाने की, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, तो एक्स सर्विसमैन लगभग आपको बता दूँ 53-54 के बीच में रह सकती है, एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। और यही हम बात करते हैं पी एच की, तो पी एच की 60-62 के बीच में रह सकती है, तो जो कट ऑफ है लगभग इतनी ही रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक हो, और जाएगी भी नहीं, क्योंकि कट ऑफ अगर आपको बता दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी जो डीवी में बुलाए जा रहे हैं अच्छे खासे बुलाए जा रहे हैं, 22,000 के समथिंग अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं, तो कट ऑफ वगैरह इतनी रहेगी, ठीक है। और फिर कुछ नहीं कह सकते, आयोग है, आयोग के पास डाटा है, एक्चुअली डाटा क्या है, ठीक है, कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा भी जा सकती है थोड़ी बहुत, और कम भी रह सकती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें तो आपको जो दिखा दी मैंने, जो अगली सुनवाई होनी है, और पूरी उम्मीद है कि 14 तारीख को जो कुछ भी होगा वो निर्णय देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर 16 तारीख को जो लखनऊ बेंच में वो शायद अंतिम सुनवाई हो जाए। लगातार 5 सुनवाई हैं, यानी कि लगातार 5 सुनवाई में यानी कि पास ओवर किया गया, क्योंकि सीट नंबर बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट आपको बता दूँ, अगर ये सारी चीज़ हो जाती है तो फिर रिजल्ट आपको अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा, 10-12 दिन के अंदर रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा, अगर इन याचिकाओं का निस्तारण हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो कोई भर्ती नहीं बची है, सिर्फ लेखपाल की भर्ती बची है जिसका रिजल्ट आना है, ठीक है। UP SSC ने बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट कर दी जितनी पुरानी भर्तियां हैं, ठीक है। तो बस यही बताना था, और वीडियो बताना कैसे देखिए कमेंट करके, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो बस हम वीडियो रखते हैं, धन्यवाद।